हेलो एंड वेलकम टू हैंडी लैब फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि हम लोग कैसे ये खूबसूरत और पायदार जो ड्रेसेस हैं उनको हम लोग कैसे बना सकते हैं। इन दिस वीडियो वी टेक अ लुक हाउ टू मेक दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस। चलें जी शुरू करते हैं इन ड्रेसेस को, खूबसूरत ड्रेसेस को बनाने के लिए हमें क्या कुछ चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बोरी चाहिए जो आम घर में यूज़ होती है बोरी, वो चाहिए। उसके अलावा हमें थ्रेड चाहिए। थ्रेड में हमारे पास जो ऊन का थ्रेड है यानी कि ऊन के जो धागे हैं जिनको आमतौर पर बोला जाता है वो चाहिए। हियर वी रिक्वायर्ड सैक एंड डिफरेंट कलर ऑफ थ्रेड टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ ब्यूटीफुल ड्रेसेस। जस्ट टेक अ लुक हाउ वी कैन डू दैट। अच्छा ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इजी है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगी आपको बनाते हुए। इसके लिए हमें जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उनको हमने फिल करना है, जो ऑलरेडी बोरी के ऊपर बने होते हैं बॉक्सेस उनको हमने फिल करना है। उनको फिल करने का तरीका आप और से देख लें, इसको हम लोग क्रीप करके भी दिखाएंगे आपको ताकि आपको एक अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ आ जाए। Practice make you perfect in this type of embroidery work. ये हमारे पास एक कंप्लीट जो है बॉक्स कंप्लीट बन चुका है। कुछ इस अंदाज से हम लोग इसको बैक से इस तरीके से क्लोज कर देंगे जैसे आपको नजर आ रहा है। अब हम इस बॉक्स के अंदर से फिल करेंगे। उसके लिए हम लोग डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे। आप इसकी जगह अपने मर्जी के जो कलर्स हैं जो आपको पसंद आए, जो आपका डिज़ाइन जिस अंदाज से आप बनाना चाहें तो वो आप चूज़ कर सकते हैं। तो हमने बुनियादी तौर पे इसमें जो डिफरेंट कलर्स हैं और जो कलर हमारे ड्रेस का होता है उसके साथ मैचिंग करके उसके बाद ही यहाँ पे यूज़ किया जाता है, तो फिर ये जो डिज़ाइन है बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो एंड में आपको हम लोग मुख्तलिफ जो ड्रेसेज हैं उन पर ये काम किया हुआ है वो भी दिखाएंगे जिससे आपको एक बेहतर आइडिया मिल पाएगा और आप कम खर्चे में बहुत अच्छे ड्रेसेस घर पर ही बना पाएंगे। फ्रेंड अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारा जो फेसबुक का हैंडी लैब का पेज है उसको भी फॉलो कर लें और हैंडी लैब का जो ग्रुप है उसको भी आप ज्वाइन कर लें। लेकिन अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब का चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पे भी हमें फॉलो कर लें
ताकि आपको अच्छे से अच्छी वीडियोस मिलती रहे। हम कुछ कंटेंट जो है यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, कुछ यहाँ पे फेसबुक पे करते हैं, तो जहाँ पे भी आपको हमारे साथ यानी कि कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो आपको अच्छे से अच्छी चीज़ मिलती रहेंगी। और एंड में मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और भी कहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके जैसे लाइक करते हैं तो उससे ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम लोग आपके लिए अच्छे से अच्छे और डिज़ाइन वगैरह बना कर देते रहें। और ये आपका लाइक करने में कोई 1 सेकेंड ही लगेगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, ताकि हम लोग और अच्छे से अच्छी वीडियोज़ आप लोगों के लिए बनाते रहें। यहाँ पे हम जो है येलो कलर को यूज़ करेंगे, ताकि हम लोग जो इनर साइड है उसको फिल कर सकें, और उसके बाद हम लोग एक और कलर यूज़ करेंगे, तो उसको भी आप देखेंगे। तो इससे ये जो हमारे बॉक्सेस हैं इनके जो कहते हैं खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अब हम इसके जो अंदर वाले बॉक्सेस हैं उनको जो डिफरेंट कलर के साथ फिल कर लेंगे, तो ये जो इनर वाली जो साइड है वो मुकम्मल हो जाएगी। नाउ वी मेक द इनर साइड ऑफ दिस बॉक्सेस विद एन अदर कलर थ्रेड, जस्ट टेक अ लुक, इट विल इनहांस द ब्यूटी ऑफ ऑल दिस बॉक्सेस। Thank you.
Now we close the box in the back side. Here are the few sample of the dresses for this type of work. Just take a look. It is looking so beautiful. चलें जी अब हम लोग देख लेते हैं कि जो मुख्तलिफ ड्रेसेस हैं इस कलर में कैसे लगते हैं. यहाँ पे आपको मुख्तलिफ कम्बिनेशन के अंदर और मुख्तलिफ जो डिज़ाइन के अंदर ये काम मिल जाएगा, जिससे आपको एक अच्छा आइडिया मिल पाएगा और आप घर में एक अच्छे से ड्रेसेस बना पाएंगे. ये हमारे पास रेड ड्रेस है, उसके अंदर हमने ब्लैक वाइट का कम्बिनेशन करके बनाया हुआ और साइड पर एक लेस भी लगाई हुई है. ये बेसिकली जो इसको आमतौर पर घेरा बोला जाता है हमारे लोकल यहाँ पर, ये वैसे बॉर्डर बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर. तो आपने देख लेना जो आपके वहाँ पे बोला जाए. मैं आपको इसको क्लोज करके दिखा देता हूँ तो ये और ज़्यादा खूबसूरत यानी कि अच्छे तरीके से आपको नज़र आ जाएगा यहाँ पर. ये हमारे पास एक सेकंड ड्रेस है जो इसी वर्क के अंदर है और डिफरेंट कलर कम्बिनेशन के अंदर है. ये हमारे पास बॉर्डर है लेकिन यहाँ पे हमने स्माल जो है बीड्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं जो वाइट कलर के हैं, जिससे इसकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा इजाफा हो गया और यहाँ पे वाइट का कंट्रास्ट भी हो गया है इस डिज़ाइन के साथ. चलिए आप इस ड्रेस को कम्प्लीट देखें. फ्रेंड मैं आपको इस जो काम है इसके बैक साइड भी दिखाता जाता हूँ कि बैक साइड पे एक यूँ क्लोज सा आ जाता है और ये जो बोरी है या सेक है ये वहाँ पे ना कंप्लीट तौर पे हिडन हो जाती है. लेकिन जैसे जैसे इसको वॉश करते जाएँ तो इसकी ब्यूटी के अंदर और भी ज़्यादा इजाफा हो जाता है, यानी कि इसकी खूबसूरती में इजाफा होता जाता है. अभी यहाँ पर इसके बाजू हैं इस काम के, तो इनके बाजू भी आप देख लें और बाकी चीज़ें भी गौर से देखते जाएँ. फ्रेंड यहाँ पे मैं आपको इसका गला दिखाता चाहूँ. गले पे इस ड्रेस के अंदर कोई इस तरह का कोई भी काम नहीं किया, सिंपली जो डोरी हमने बॉर्डर पर लगाई थी वही हमने गले पे लगाई है. तो यहाँ से ये चीज़ और अच्छी हो गई है, यानी कि आप सिंपल तरीके से भी ये ड्रेसेस वगैरह बना सकते हैं. फ्रेंड ये हमारे पास एक और ड्रेसेस है जिसका मैं आपको बॉर्डर दिखा रहा हूँ. यहाँ पे मुख्तलिफ कलर कम्बिनेशन के अंदर है ये चीज़, तो आप इसको देख लें और इससे भी आपको एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा. अच्छा एंड में मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और यूट्यूब पर भी हमें फॉलो कर लें, फेसबुक पर भी फॉलो कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लें. अगर आपको कोई चीज़ भी इसके अंदर समझ है तो आप हमें कमेंट्स करें, हम आपको इसमें यानी कि आपके क्वेश्चन के आंसर करेंगे और आपको मैक्सिमम हेल्प करने की कोशिश करेंगे. तो आपके
कम खर्चे में और अच्छे से ड्रेसेस आपको बना सकें, यूनिक ड्रेसेस बना के आप बना सकें। चलें जी, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो को, आप इस वीडियो को देखें। ओके जी, अपना ख्याल रखें।